पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में एक खास समुदाय के लोग अपने मजहबी एजेंडे को फैलाने के लिए लव जिहाद जैसे घिनौने काम को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला आया पश्चिमी यूपी के हापुड़ से, जहां बिन माँ बाप के एक 14 साल की बेटी पढ़ने के लिए स्कूल गई, लेकिन उसे ई रिक्शा चलाने वाले जाहिद ने निकाह नामा पढ़वाने के लिए अगवा कर लिया। बच्ची की गुमशुदगी के बाद अंदर से छटपटा रहे बच्ची के बूढ़े दादा ने जैसे ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो यूपी पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही बच्ची के साथ आरोपी जाहिद को नोएडा से खोज निकाला। उस बच्ची ने पुलिस को बताया कि उससे कलमा पढ़वाया गया और जाहिद अगले दिन उससे निकाह करने वाला था। जाहिद ने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध भी किया। इस पूरे मामले में जाहिद के पिता ने भी उसका साथ दिया और अब वो फरार है। जाहिद के जिहादी कीड़े का इलाज सलाखों के पीछे अब यूपी पुलिस का डंडा करेगा। इसके साथ ही आरोपी जाहिद पर बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो गया है। महाराज जी और उनकी पुलिस ऐसे दरिंदों का अब वो हश्र करेगी कि इनकी सात पुश्तें भी याद रखेंगी, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर कितने सख्त हैं ये पूरा प्रदेश जानता है। खुद सोचिए, जो बच्ची आज चंद घंटों में अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच गई और आरोपियों को ऐसी सजा मिलने जा रही है कि उनका जीवन सर्वनाश हो जाएगा, क्या ये सब अखिलेश राज में संभव होता? क्या लव जिहाद जैसा कड़ा कानून बन पाता? क्या अखिलेश के शासनकाल में पुलिस व्यवस्था इतनी दुरुस्त होती? कभी नहीं, क्योंकि अखिलेश राज में ऐसे अपराधों पर वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के डर से चुप्पी साध ली जाती, या फिर कह दिया जाता लड़के हैं गलती हो जाती।